हेलो एवरीवन आज हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में यूज़ होती हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सेंक्शन इन टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है इन टर्म्स का क्या मीनिंग होता है ये आज हम समझेंगे फर्स्ट टर्म इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या होता है पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इट इज़ दी फॉर्मल एक्सेप्टेंस बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कंसर्न ऑफ द प्रोपोजल्स फॉर इनकरिंग एक्सपेंडिचर इन दी पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट ऑन अ वर्क इनिशिएटेड बाय और कनेक्टेड विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सच एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल समझने से पहले आपको समझना होगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट क्या होता है जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट अगर उन्हें कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है या रिपेयर करवानी है पीडब्ल्यू डी से तो जो ये डिपार्टमेंट्स होंगे इन्हें हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट पी डब्ल्यू डी से कोई स्कूल की बिल्डिंग बनवाना चाहता है या फिर कॉलेज की बिल्डिंग बनवाना चाहता है तो हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा उसे हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और पी डब्ल्यू डी को कहेंगे टेक्निकल डिपार्टमेंट तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पी डब्ल्यू डी को बोलता है कि हमें ये प्रोजेक्ट करके दो और इतनी अमाउंट में और अब हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर को फॉर्मल एक्सेप्टेंस दे देता है कि हाँ इतना एक्सपेंडिचर इस प्रोजेक्ट या वर्क पे कर सकते हैं तो उसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नेक्स्ट टर्म इज टेक्निकल सेंक्शन टेक्निकल सेंक्शन पी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होने के बाद पी डब्ल्यू डी के ऑथोराइज ऑफिसर से टेक्निकल सेंक्शन ली जाती है जो प्रोजेक्ट या वर्क एग्जीक्यूट करना होता है उसका डिटेल्ड एस्टिमेट कितनी कॉस्ट होगी प्रोजेक्ट की वो सब जो डिटेल्ड एस्टीमेट बनाया जाता है उसे सेंक्शन करने के लिए इसे इशू किया जाता है टेक्निकल सेंक्शन में ये सिग्निफाई किया जाता है कि जो प्रोजेक्ट का डिज़ाइन है वो सही है और एज पर दी रिक्वायरमेंट्स हैं और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है यानी कि पी डब्ल्यू डी गारंटी करता है कि उसकी जो डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशंस हैं वो बिल्कुल सही हैं और एज पर दी एडिकुट डाटा हैं जो भी उसने एस्टिमेट्स बनाए हैं कोस्ट के वो एज पर दी ऑथोराइज रेड्स हैं तो ये टेक्निकल सेंक्शन होती है नाउ सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्वेश्चन वन टेक्निकल सेंक्शन इज़ ऑल्सो कोल्ड फोर ऑप्शन आर गिविन एक्सपेंडिचर सेंक्शन फाइनेंशियल सेंक्शन सेंक्शन ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट Sanction of detailed estimates. Write your answer in the comment section. Question number two Technical sanction is an indication of the guarantee of PWD that option A funds for the proposal is provided, option B site is available, option C proposal is structurally sound, option D administrative approval is accorded. Select your answer. Now, last question question number three. एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इन पी डब्ल्यू डी स्टैंड फोर ऑप्शन ए एलोकेशन ऑफ फंड ऑप्शन बी फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑप्शन सी फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑप्शन डी अप्रूवल ऑफ अ टेंडर बाय पी डब्ल्यू डी राइट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन आज के लिए इतना ही था थैंक यू